नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि सोनी रश्मि सोनी लाइव चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हर बार हम चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसी हस्ती से रूबरू कराएं जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ऐसे ही आज हमारे स्टूडियो में जूही कृष्णानी जी आई हुई हैं, जिन्होंने अपना एक ड्रीम बचपन से ही बना रखा था कि मुझे ये हासिल करना है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कोई डिग्री कोर्स करना ज़रूरी है। अगर आपने कुछ सोच लिया कि मुझे ये पाना ही पाना है, तो वो आप हासिल कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप जूही जी से खुद सुनेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बचपन से जो एक सपना देखा था, उसके लिए उन्होंने कोई डिग्री कोर्स नहीं किया, लेकिन आज वो इस मुकाम तक पहुँच चुकी हैं कि आज एक नाम से वो जानी जाती हैं, जूही कृष्णानी। तो आइए मिलते हैं जूही जी। जूही जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रश्मि। हेलो फ्रेंड्स। जूही जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारे ये प्रोग्राम्स होते हैं, ये ज़्यादातर जो होते हैं वो यंगस्टर देखते हैं, और जो मेरे क्वेश्चन आपके साथ रहेंगे तो उनसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपके लिए वो बहुत जनरल क्वेश्चंस रहे। और इसी इंटरव्यू को हम आगे बढ़ाते हुए, मैं सबसे पहले जो कि हमेशा अक्सर यही क्वेश्चन मेरा सबसे रहता है कि आप जब इस प्रोफेशन में आए तो उसका प्रेरणा स्रोत आप किसको मानेंगे और कब से है इस लाइन में? जब से मैं छोटी थी, सिंस चाइल्डहुड। अभी भी आप बहुत छोटी सी ही लग रही हैं। मैं 37 ईयर ओल्ड एंड मेरे दो बेटे हैं, वन इज 13 एंड वन इज 7 ईयर ओल्ड। तो मैं जब से छोटी थी तब से ही, चाइल्डहुड से ही मैं मतलब आई बीन सो क्रिएटिव, मैं बहुत क्रिएटिव थी, और मैं अपनी चीज़ें, अपनी डॉल्स को सजाना, अपने रूम को सजाना, अपने आप को सजाना, तो मैं ये बचपन से करती आ रही हूँ। पर ये धीरे धीरे मेरे माइंड में प्रोफेशन था, मेरे माइंड में कि मैंने ये करना है, बट माई हस्बैंड हैज़ हेल्प मी अ लॉट। उन्होंने बोला कि पहले हम पूरा अपना फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं, देन यू डू योर सेल्फ वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो आपको करना है आप करो। फिर आई स्टार्टेड माई वर्क विद अ स्क्रैच, ऑब्वियसली विद अ वेरी स्मॉल, ऐसी एज अ हॉबी आई स्टार्टेड, एंड विद इन 6 months मुझे इतना ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिला, देन आई गो फॉरवर्ड एंड आई एम मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग। तो आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी मदर लॉ है, मेरे फादर लॉ, मेरे दो बेटे और मेरे हस्बैंड। तो आपके जो बच्चे हैं वो किस एज में हैं? मेरा बेटा, बड़ा बेटा 13 साल का है, छोटा बेटा 7 साल का है। तो आपको इन काम के साथ जो आप, आपका जो, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग है, उसमें आपको कभी जो उसका सारा कॉस्ट लेना पड़ता है, कॉस्ट्यूम के लिए, कुछ भी लेने के लिए मार्केट तो जाना ज़रूरी ही है, तो उसके लिए आपको अपनी फैमिली और बाहर का आउटडोर किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? उसमें आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट रहता है कि कभी वो इरिटेट नहीं होते कि बंद कर दे ये सारे काम, मतलब इस तरीके से? इस मामले में टचवुड, इट्स गॉड्स ग्रेस कि मैं बहुत लकी रही हूँ। शुरू से ही मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में, चाहे वो फैब्रिक के मामले में हो, मुझे मार्केट जाना है, माई मदर लॉज हमेशा मेरे साथ रही हैं वो। और जहाँ तक हस्बैंड का सवाल है, तो ये उन्हीं की वजह से हूँ आज की डेट पे मैं, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो मैं ये काम कर ही नहीं पाती। और शुरुआत में देखिए, हर काम में सबको दिक्कतें आती हैं, जो मुझे भी आई। और शुरुआत में मैं खुद जाती थी मार्केट में, फैब्रिक्स चूज करना, ये सब करना मेरा ही काम था, बट धीरे धीरे जैसे आप प्रोफेशन में अपने आगे बढ़ते चले जाते हो, यू गेट टू हैव मोर सप्लायर्स। इस काम में हमारे सप्लायर्स होते हैं जो लखनऊ से और बॉम्बे से, दिल्ली से, हर पार्ट से आपके पास खुद आते हैं थोड़े टाइम के बाद। आज की डेट में मेरे पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं जिनको मैं बस कॉल करती हूँ, वो फैब्रिक घर पे ही देके जाते हैं, मेरे स्टूडियो में ही देके जाते हैं। जूही जी, जैसे अभी आपने बताया आपकी फैमिली में दो बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, इन लॉज हैं, तो आपका जो डिज़ाइनर्स का जो रहता है फैब्रिक का, ऊपर का मटेरियल लाना, उसके लिए आपको मार्केट में भी बहुत जाना पड़ता है, कस्टमर्स के साथ जाकर बात करनी पड़ती है, बाहर जाकर मार्केट खुद बनानी पड़ती है कई बारी, तो उसमें आप अपनी फैमिली को किस तरीके से मैनेज करते हैं और हस्बैंड का आपको कितना सपोर्ट मिलता है? बहुत ज़्यादा। इस मामले में मैं बहुत लकी रही हूँ, और मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सपोर्ट है, वो आज की डेट में मेरे बच्चों की वो भी माँ है और आज की डेट में मैं भी माँ हूँ,
और जहाँ तक फैब्रिक का सवाल है, मैं फैब्रिक के मामले में बहुत पर्टिकुलर हूँ अपने क्लाइंट को लेके, एंड ताकि वो इको फ्रेंडली फैब्रिक हो सबसे पहली बात. दूसरा, बॉडी टाइप्स कैसा है उनका, उनका फैट कहाँ है बॉडी में, उनको हाइट कहाँ करना है, मैंने इन चीज़ों को लेके मैं बहुत पर्टिकुलर नहीं हूँ. और इन चीज़ों में मेरी मदद मेरे, आप मानोगे नहीं, मेरी पूरी फैमिली ने करी है. माई मदर इन लॉ, माई हस्बैंड, मेरे बच्चे, वेरी गुड, सब मेरे को बहुत इस टाइप में हेल्प करते हैं कि क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है, ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत नीड है टाइम की, मेरे को अपने क्लाइंट को बहुत टाइम देना पड़ता है. बिल्कुल. और उनको पूरा सेटिस्फाई करके इवन आप एक, अगर आप गौरव गुप्ता या मनीष मोत्रा के पास भी जाएंगे, ऑब्वियसली वो भी आज के डेट में अपने क्लाइंट को जब तक सेटिस्फाई नहीं करते, कोई भी 10 लाख का लहंगा उनसे नहीं लेगा, नहीं लेगा. तो इट्स अ नीड ऑफ अ सेटिस्फैक्शन. जो अगर मैं इसी स्टेज से स्टार्ट करूंगी तो ऑब्वियसली मैं बहुत ग्रो करूंगी आगे. आपने किस लेवल से स्टार्ट किया था और आप किस लेवल पर अचीव कर चुकी है, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे. मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था, एक मशीन, एक मास्टर, एक एम्ब्रॉयडर, एक लड़की, और आज की डेट में मेरे अंडर कम से कम 15-20 लोग काम करते हैं. वेरी गुड. जो हाँ, हम एक नेक्स्ट लेवल पे भी जाने वाले हैं. मैं एक बहुत बड़ा शोरूम खोलने जा रही हूँ अशोक विहार दिल्ली में, और बहुत ही जल्द उसकी भी न्यूज आ जाएगी. उसमें एक बहुत बड़ा इवेंट भी करेंगे हम. ओके. तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले जब हम लोग इंटरव्यू के दौरान बैठे हुए थे, तो आपने बताया था कि अभी आपने लास्ट वीक ही एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था जो कि बहुत ही बेस्ट रहा, तो उसके बारे में हमारे दोस्तों को आप बताइएगा प्लीज. हाँ जी, ये जो रैंप वॉक है ये हमने किसी डिज़ाइनर के लिए किया था, और वो साथ में हम लोगों को भी हाईलाइट करते हैं. हमने कपड़े किसी और डिज़ाइनर के पहने थे, बट दैट वॉज द रैंप शो, जो मुझे बहुत शौक है जिस चीज़ का, क्योंकि मैंने बहुत साल मेंटेन भी किया इस चीज़ के लिए. 15 साल मेरी शादी को हो गए हैं और मैंने अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखा है इसमें, इसीलिए कि मैं कभी रैंप वॉकिंग और फैशन वीक्स और ये सब कर पाऊँ, और मुझे इन चीज़ों का भी बहुत शौक रहा है, तो इसीलिए ये हमने रैंप वॉक किया था. अंजना कुटियाला का दैट वाज अ शो. ओके. और हम आगे भी करने जा रहे हैं, फिर वही शो 20 जनवरी को ताज विमानता में दोबारा से है. ओके. एंड उसका एक थीम है जिसमें शाहरुख खान की हीरोइन बन के जाना है हम सब ने. क्या बात है. सो आई विल बी द जूही चावला वहाँ पे, मतलब जूही कृष्णानी जूही चावला के साथ. जैसे हमें ड्रेसअप होना है, यही कॉन्सेप्ट और रैंप वॉक करनी है. ओके. जूही, हमेशा लाइफ में हर एक के ना ये होता है कि मेरे को इस मुकाम तक पहुंचना है. क्या आपको लगता है कि जहां तक आप जाना चाहते थे वहां तक आप अपने आप को सोचते हैं कि मैंने वो मुकाम अपनी लाइफ का हासिल कर लिया, या अभी इससे और आगे का है? देखिए, इस मामले में मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, कोई एंड नहीं है इन चीजों का. मैं तो सोचूंगी जब तक मैं आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ, मैं तब तक काम करूँ और वहां तक पहुंचूँ जहां तक कोई नहीं पहुंचा. क्या बात है. हमारी विशेष है आप उस मुकाम को जरूर हासिल कर पाओ. और अभी ये जो आपने अपना स्टूडियो बताया, आपका इसकी कई और भी आपने इसका, या अशोक विहार में ही अपनी ब्रांच? इट वुड बी माय सेकंड ब्रांच. ओके. अशोक विहार में, एंड दैट वुड बी अ ग्रेट इवेंट फॉर अस. एंड उसमें भी मैं एक फैशन शो करने जा रही हूँ जिसमें शायद मैं अपनी फ्रेंड्स को ही सारा रैंप वॉक दूंगी और अपने कपड़े शोकेस करूंगी. एंड दैट वुड बी अ ग्रेट इवेंट अगेन, और वो आई थिंक न्यूज़पेपर्स में भी मैं कवरेज लूंगी उसकी. ओके. आप ये दिल्ली तक या इंडिया तक ही अपने आप को सेटल करना चाहती हैं, या कहीं आपने बाहर की भी प्लानिंग करी है कि मैं, जैसे अभी हाल ही में पेरिस में भी एक फैशन शो हुआ, बहुत ही बढ़िया, अच्छा रहा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, तो आपका भी ऐसा कुछ है कि मुझे भी एक बाहर जाके अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है जिसमें बड़ा बड़ा सा लिखा हो जूही कृष्णानी? जी बिल्कुल, ये तो सपने हर किसी के खैर होते ही हैं, फिर भी प्लानिंग जानना चाहूंगी. पहले हम डेली कैप्चर करेंगे, सबसे पहले मुझे डेली कैप्चर करना है, पूरा डेली मुझे कैप्चर करना है. देन डेली के जो आसपास की सिटीज हैं वो मुझे कैप्चर करने है. ऑब्वियसली वी विल लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स दुबई में मेरा एक लिंक है, और बहुत जल्द मेरे वहाँ भी कपड़े, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल के अंदर वहाँ भी मेरे कपड़े जाने वाले हैं. That would be a Vaseni, उनका नाम है Vaseni Fashion Store. Okay. जो दुबई में है, पर उसके लिए बहुत मेहनत करनी है और बहुत सारा काम करना है,
दिन रात एक करना है जो हम करेंगे। जो ही जैसे आपका जो प्रोफेशन है उसमें अपने आप को भी बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है, जैसे कि मैं आपको देख पा रही हूँ, तो उस इस सुंदर ब्यूटी के पीछे का राज क्या है और आप इसको किस तरीके से मेंटेन करती हैं, मेरी ऑडियंस आपको जरूर सुनना चाहेगी। बिल्कुल, इसको मेंटेन करने में सबसे बड़ा हाथ है ऑब्वियसली माय मॉम एंड डैड, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लेके आए और वो भी बहुत सुंदर हैं। और इवन माय दादाजी वाज वेरी, ही वाज लाइक अ फॉरनर, तो भगवान ने मुझे ये बस अपॉर्चुनिटी दी है कि आप, पर उसको तराशा मैंने खुद ही है। मैं अपनी स्कूल टाइमिंग्स में काफ़ी चब्बी और काफ़ी हेल्दी रही हूँ, okay. तो लोग मुझे काफ़ी टोका करते थे, पकौड़ी मोटी, और वो मेरे ना ऐसे दिल और दिमाग में छा गया था कि मैं सबको दिखाऊंगी। और मैंने तब 12th क्लास में, कॉलेज जाने से पहले मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जो वेस्ट है वो 26 करके रहूंगी, okay. और मैंने किया। गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपके यहाँ से मैं समझ सकती हूँ कि जो आप सोचते हैं वो आप करते जरूर हो। बिल्कुल, और मैं उस मामले में बहुत पर्टिकुलर हूँ कि अगर मैंने आज ये बात सोची है तो मैं उसको अभी इसी वक्त करूँ, अभी से स्टार्ट कर लूँ। दैट्स गुड। टाइम नहीं दूंगी उसको कि मैं कल तक फिर जिम ज्वाइन करूँ या मुझे कुछ भी करना है। इवन मुझे अगर चाय भी पीनी है तो मैं सोचूं कि मैं अभी ही पी लूँ, उसको खत्म करूँ, काम मेरा खत्म हो और फिनिश हो के। बहुत बढ़िया। अच्छा जो ही जैसे आपके पास क्लाइंट आता है, फॉर एग्जांपल कोई फैटी लेडी आपके पास आई है और उसको आप किस तरीके से उनको एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि मुझे जो ही के पास ही जाकर डिजाइन करना है, क्योंकि हर एक को अपनी लुक्स के लिए लोग आजकल बहुत वो रहते हैं डिस्टर्ब कि मुझे ऐसे दिखना है, मुझे इस तरीके से जाना है, मेरे लिए कौन सा स्टूडियो बेस्ट रहेगा जहाँ पर मैं जाऊँ और मुझे बेस्ट डिजाइनिंग मिल जाए, क्योंकि मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन है, बहुत कॉम्पिटिशन है प्राइजेस को भी लेकर और अपने डिजाइनिंग्स को भी लेकर। तो आपके पास ऐसा क्या खास है जिसके लिए लोग आपके पास आते हैं? सबसे पहली बात मेरी जुबान। मैं क्लाइंट से ऐसे बात करती हूँ जैसे वो हमारे अपने घर का ही मेंबर है, उनको पूरा कंफर्ट जोन में लेके आती हूँ, कंफर्ट देती हूँ ऑब्वियसली, और उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अच्छे से मैं उसको देखती हूँ कि कहाँ उनका फैट है, कहाँ मुझे कवर करना है। कई लोगों का बाइसेप बहुत हैवी होता है तो वहाँ पे हम कुछ कवरेज के लिए ब्लैक नेट्स और डबल नेट्स ऐसे देते हैं, और कई लोगों का कवरेज होता है बैक में फैट्स होते हैं वेस्ट एरिया में, वहाँ मैं कवर करती हूँ, और कई लोगों का हिप हैवी है तो वो देखना पड़ता है। सबसे पहली बात आप क्लाइंट को कम्फर्ट जोन दीजिए और एज अ अपना बिहेवियर अच्छा रखिए और उनको टाइमली ऑब्वियसली आउटफिट्स प्रोवाइड कीजिए ऑन टाइम एग्जैक्टली, और उनके बॉडी पार्ट्स को हमने जो हाइड करना है वो, ये तीन चार चीज़ें मिलके आई थिंक आई वुड बी द परफेक्ट डिजाइनर एट द पॉइंट। कभी ऐसा हुआ कि आपने, अक्सर होता है स्टूडियोज में आपने क्लाइंट को जो डिज़ाइन किया वो पसंद ना आए हो, तो कई बार क्लाइंट को जो आप चार्ज करते हैं वो नहीं दे पाता है, तो उस में आप अपने क्लाइंट को खो देते हैं, उसको किस तरीके से सेटिस्फाइड करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब जैसे कि अभी ही हाल ही में मेरे पास एक क्लाइंट आया और उसका बिल बना अप्रॉक्सीमेटली 60-70,000 रुपीज़, और उसने हमें बोला कि जूही की इतना बिल बन गया है मेरा, कोई बात नहीं, आई गिव दम अपॉर्चुनिटी कि आप थोड़ा स्लॉट्स में पे कर दो, कोई बात नहीं, बट आप हमारे साथ जुड़े रहो। और मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इकट्ठे पैसे भी पे करके हमसे गारमेंट्स ले सकते हैं धीरे धीरे, ऐसे भी कर सकते हैं। और ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि फिटिंग्स में तो देखो लेडीज की बहुत प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आज खाया कल गवाया, आज खाना नहीं खाया तो कल 1 किलो डाउन होता है, ये इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। एंड किसी से बात करने से, अच्छे से कॉन्वर्सेशन करने से आप उनको समझा सकते हैं कि यहाँ पे कमी आ रही है, और कोई बात नहीं, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, अगर आपको अच्छा बिजनेस मिल रहा है तो कहीं ना कहीं दोनों को बैठ के कॉम्प्रोमाइज करना होता है, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। ठीक बात बताई आपने। जो ही जैसे अभी आपने बताया फैशन डिजाइनिंग में आप हो, इससे हटकर कुछ ऐसी अचीवमेंट जो आपने अपनी लाइफ में ली हो और हमारी ऑडियंस भी आपको सुने? मुझे रैंप वॉक का बहुत शौक है और हाल ही में मैं एक शो करा है दैट्स फॉर रैंप वॉक, अगर और एक शो और करने जा रही हूँ। मुझे मॉडल बनने का किसी टाइप पे बहुत शौक था, जब मैं कॉलेज में आई तो मेरी इतनी सुपर फिगर बन गई थी कि
बट माई फादर मदर वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, तो उन्होंने मुझे इसके लिए अलाउ नहीं किया था. बट हाँ, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं और लेट्स सी, मेरे को भी एक ऐड का भी ऑफर आया है, दैट वॉज किसी पर्सेस के एड्स का था, तो मैंने उनको एग्री कर लिया एंड आई थिंक आई विल बी डूइंग दैट इन जनवरी एंड. वो भी मेरा एड शूट होगा अभी. तो हाँ, वो वाली मॉडल नहीं बन सकती हूँ जो obviously 20 to 21 age की होती है, but I can explore myself what I am today. तो वो explore मैं जरूर करना चाहूँगी कि मुझे एक model भी बनना था. ओवरऑल आपका जो मसीहा है वो किसको कहना चाहोगे? माय मदर इन लॉ, माय हस्बैंड, बोथ आर जेम ऑफ द पर्सन एंड दे आर माय हार्ट, दे इनसाइड माय हार्ट. जो ही जैसे अभी आपने बताया कि आप फैशन शो रैंप वॉक काफी आपने ऑर्गेनाइज करे, और अभी किसी उसमें आपने बातों में मुझे इंटरव्यू से पहले बताया था कि आप ज्यूरी मेंबर भी रहे हो, तो उसके बारे में भी हम सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी. ये एक बड़ा अलग एहसास था बीइंग अ ज्यूरी मेंबर ऑफ अ पेजेंट. मिस्टर एंड मिसेस दिल्ली एनसीआर की मैं ज्यूरी मेंबर रही, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वरुण ग्लैम बट एंटरटेनमेंट से, उन्होंने मुझे मौका दिया. और मैंने जब कंटेस्टेंट को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में बहुत कुछ है और बच्चों में भी ये चीज़ें चेंजेस बहुत सारे लाने पड़ेंगे और हमें भी अपने बच्चों में. तो वहाँ मैंने देखा कि कंटेस्टेंट्स बहुत डरे हुए थे, ओके, बिकॉज उनको ना बोलना आता, ना अपना कोई बॉडी पॉस्चर है उनका, एंड दे वॉन्ट टू बिकम अ मॉडल. मिस्टर एंड मिसेज में आने के लिए पहले तो आपका बॉडी पॉस्चर होना चाहिए, उसके बाद आपकी अच्छी वॉइस होनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए. तो मैंने देखा कि नहीं, ये चेंजेस हर जगह चाहिए. अब एक और जूरी मेंबर में आई एम सिटिंग नाउ एंड दैट इज मिसेस फेस ऑफ द ईयर. वो मिसेस के लिए है, मैरिड वुमेन्स के लिए, और उसमें भी मैं एक जूरी मेंबर रही और वहाँ मेरे कंटेस्टेंट को ग्रूम भी करना है, अभी मेरी क्लासेस है उनके साथ. तो मेरे को यही था माइंड में कि मैं बच्चों को देख के उनको तो भी सिखाने का मौका नहीं, बट हाँ मैं मिसेस को जरूर सिखाना चाहूंगी कि आपको कैसे खड़ा होना है, आपको कहाँ कहाँ बॉडी में फैट्स है, आपको कहाँ कवरेज करनी है. बीइंग अ डिजाइनर, मुझे ये उनको सीरियसली सिखाना है और इस बारे में मुझे सोचना है कि मैं उनको कहाँ कहाँ हाइड करूँ, कहाँ कहाँ उनके जो फ्लॉज हैं वो हाइड करूँ, और जो उनकी अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव थिंग्स हैं, मैं उनको एम्ब्रेस करूँ. बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया कि ग्रूम भी आप करते हैं, तो जब ग्रूमिंग पार्ट आता है तो उसमें आप ज्यादातर क्या रोल आपका रहता है और किस तरीके से क्या क्राइटेरिया रहता है कि और आपके अंदर क्या रहता है कि मेरे ट्रेन किया हुआ पर्सन जो है वो किस लेवल पर पहुंच पाए और कितना आपको उसमें पेशेंस भी रखनी पड़ती है? बहुत पेशेंस, क्योंकि यू मस्ट बी नोइंग द नेचर ऑफ वुमेन्स, और उनमें थोड़ा सा होता है कि हम ये हम वो. देखिए, पहले तो आपको करके दिखाना है, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि हम ये हम वो. तो उनका बेसिकली बॉडी पॉस्चर, रैंप वॉकिंग, और बीइंग अ डिजाइनर आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कलर्स आपको अपनी बॉडी पे लेने चाहिए, और कहाँ आपको कवर करना है और कहाँ आपको शो करना है. कईयों का वेस्ट पार्ट इतना स्लिम होता है तो देयर इज अ नीड ऑफ शोइंग देम, आप उसको शो कीजिए. बीइंग अगर आपको मॉडल बनना है, चाहे आप मिसेज हैं चाहे आप मिस हैं, तो मेरे को उनको पूरा ग्रूम करना है, उनको क्लासेस देनी है अभी, उनको पूरा ये सिखाना है, ताकि ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगी कि वो बिल्कुल मेरी तरह बोल सके. काउंसलिंग करनी पड़ती होगी आपको? बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती है. तो आगे आने वाले अपने इवेंट्स के बारे में कुछ बताइए. हाँ, मेरे 3-4 इवेंट्स आ रहे हैं. दैट्स मिसेस रॉयल प्रिंसेस 2017, मिस फेस ऑफ द ईयर 2017, ऑर्गेनाइज्ड बाय कविता मल्होत्रा, एंड और हमारा एक रैम्प शो और होने जा रहा है, अंजना कुटियाला ऑर्गेनाइजर है उनकी, एंड वी ऑल विल बी डूइंग एंड हेल्पिंग लाइक दैट वे. और उनकी डिजाइनर रोजी आलूवालिया है जिनके लिए हम रैम्प वॉक कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एज अ रैम्प वॉक भी बहुत शौक है, इसलिए मैं ये सब करती रहती हूँ, जिसमें मैं भी हाईलाइट होती हूँ ऑब्वियसली, और एज अ मॉडल भी वहाँ पे होती हूँ. तो ये 3-4 मेरे शोज हैं जो अभी अपकमिंग है. जोही जी, जैसे अभी आपने सारी बातें हमारे साथ शेयर करी आपने, उसमें पता चल रहा है कि बहुत ही क्रिएटिविटी रही है आपके अपने काम में, तो इसके अलावा और किस चीज़ में आप अपने आप को देखना चाहते हैं? कि ये तो आपने एक लेवल जो था वो अचीव कर लिया, लेकिन क्या होता है कई बारी साथ के साथ हम जो एक अपना टारगेट लेकर चल रहे होते हैं,
बीच रास्ते में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार मेरा ना मुझे यहाँ पर भी जाना है, और वो उसमें इंटरेस्ट हमारा धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि कब डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ? हाँ बिल्कुल, मेरी लाइफ में आजकल कुछ एक नया इंटरेस्ट आया हुआ है। रैंप वॉक कर लिया, जो मेरे को आज से मतलब टीनेजर में करना था, जो मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था। और फैशन डिजाइनिंग में तो मैं अच्छा लेवल टचवुड अचीव कर चुकी हूँ। एक मेरा एक नया एक अभी आजकल नया शौक चल रहा है, मेकअप्स। आई बीन डूइंग मेकअप्स, और मैं ये सब मेकअप्स मैंने कोई अपने प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया, बट हाँ मैं शुरू से ही इतनी कीन रही मेकअप्स की कि मेरे पास मेकअप्स के इतने प्रोडक्ट्स होते थे कि आईलैशेस से लेके हर प्रोडक्ट मतलब जितने भी ये मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, मेरे पास आज के डेट में हर प्रोडक्ट है, और मैं उसको अप्लाई करती हूँ सिर्फ यूट्यूब से देख के। मैंने सारा मेकअप यूट्यूब से देख के सीखा है, मैंने कोई अभी तक कोर्स नहीं किया। एंड और हाई प्रोफाइल HD मेकअप भी मैं कर लेती हूँ फॉर का इन्फॉर्मेशन, और बाइबल शूट्स भी मैं अभी करने जा रही हूँ किसी के लिए, बट लेट्स सी उसमें क्या स्कोप होता है। बट आई विल लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स कि मैं कोई एक अच्छा सा मेकअप कोर्स जरूर कर लूँ अपने इस चीज़ को भी एनहांस करने के लिए, क्योंकि जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में आती जाती हैं आप उसमें परफेक्ट होते चले जाइए, यही मेरा कहना है। मीन्स अगर कोई ब्राइडल आती है तो उसको आपके पास आने से पूरा कॉम्बो मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं वो भी कर सकूँ और अपने नीचे और लोगों को भी ट्रेन कर सकूँ आगे। बहुत बढ़िया, और हमारी विशेष हमेशा आपके साथ है, रहेंगी। जो ही आपके जैसी पर्सनालिटी जो है आपकी, और उसके लिए सोशल मीडिया की तो प्रेजेंस बहुत जरूरी है, तो उसके लिए मैं जानना चाहूंगी आपका क्या कहना है। हाँ मैं एक चीज़ और आपको बताना ज़रूर चाहूँगी कि सोशल मीडिया में जो नेटवर्किंग है सबसे पहले वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आप बाहर से लोग हायर करते हैं ऑब्वियसली, जो आपका इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर ये सब तो हैंडल करते हैं, पर उसमें भी मैंने एक जीत हासिल कर ली है, इसीलिए मैंने एक कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, एंड आई विल बी डूइंग दैट, एंड फिर मैं खुद ये सब हैंडल करना चाहूँगी, और मैं ऑब्वियसली आई विल पुट वन मैनेजर ऑल्सो, वो मेरे उसको सिखाऊंगी, और मैं सारा खुद ही उसको हैंडल करना चाहूंगी। लेकिन डिजिटल मार्केट एकदम से थोड़ा सा आपके प्रोफेशन से हटकर हो जाएगा, तो मैनेज मार्केटिंग एंड फैशन डिजाइनिंग, तो उसको किस तरीके से आप लेकर चलेंगे? एक्चुअली आई हैव बीन सो कीन टू डू ऑल दीस थिंग्स कि मैं इतनी उत्साहित हूँ ये सब चीजें करने के लिए, जो जो मेरे रास्ते में आता जा रहा है मुझे लगता है मैं सबके कोर्सेज करके बैठ जाऊँ, एंड मुझे सब कुछ आना चाहिए, और मेरे को किसी को डिपेंड नहीं होना चाहिए, यू नो आई एम अ पर्सन, मैं कभी किसी पे डिपेंड ना हूँ। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बड़ा छोटा सा कोर्स है, ये 4-5 दिन का कोर्स होता है, और आपको सब कुछ सिखा देते हैं उसमें। नहीं, सिखाना और कोर्स करना तो बहुत इजी टास्क रहता है, लेकिन उसको अपनी लाइफ में आगे किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि अभी आपने बताया मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट भी बनना है, और अभी आप अपनी रातों को नींद ऑब्वियसली हमको सच्ची बताओ मैं अपनी रातों को नींद ना करके मैंने पूरी यूट्यूब्स की मूवीज देखी हैं, वीडियोस देखे हैं, और मैं उससे ही मेकअप आर्टिस्ट बनी हूँ। फिर मैंने अपने जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनको मैंने कंसल्ट किया कि कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए, और 2-3 मेकअप आर्टिस्ट से ये भी पूछा, उनसे एक आधा क्लास भी लिया मैंने, तो उससे फिर मैंने अपना और एनहांस किया कि आई शुड बी मूविंग टूवर्ड्स, और मैं बहुत जल्द मेकअप का भी कोर्स करने वाली हूँ। तो धीरे धीरे अपना फैशन के साथ साथ ये छोटे छोटे 3-4 कोर्सेज करके ऑब्वियसली मैं अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना चाहती हूँ मार्केट के अंदर। जूही जी, हमारी विशेज है आपके साथ पूरी पूरी, जो आपके टारगेट गोल है उसको आप अचीव कर पाए, और नेक्स्ट फिर हम आपको कॉल करें कि आज जूही जी ने ये अचीवमेंट ले लिया, तो हम उनको अपने स्टूडियो में ज़रूर बुलाएं। और जाने से पहले मेरी जो ऑडियंस आपको देख रही है, मैं ज़रूर चाहूँगी अगर आपकी तरफ से उनको एक मैसेज अच्छा सा मिले जिससे उनको भी कुछ सीखने को मिले। जी बिल्कुल, मैं यंगस्टर्स से स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी एक विजन रखिए, फोकस रहिए अपने काम को लेके, और कहीं और मत देखिए, सिर्फ ये सोचिए कि हमने ये बनना है, और आपके रास्ते खुद ही खुलते चले जाएंगे और आप वहाँ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, अभी आपने जूही जी को सुना और देखा आपने कि किस तरीके से वो आज इस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं, और कितनी ही छोटी उम्र में उन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया, और आपने ये भी देखा
कि किस तरीके से वो फैशन डिज़ाइनर के साथ साथ एक मेकअप आर्टिस्ट भी बनने जा रही हैं, और उन्होंने यह भी सोचा है कि मैं साथ के साथ 2-4 दिन की जो डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस है मैं वो भी ले लूं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक काम पर ही टारगेट और फोकस हो तो सिर्फ हम वहाँ तक अपनी लाइफ को रोक दें, तो हम अपनी ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम करना चाहते हैं, उसके लिए फोकस, जो कि आपको जूही जी ने बताया। दोस्तों, अगर आप जूही जी से मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए और जूही जी से ज़रूर मिलिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह एपिसोड अच्छा लगा है तो स्क्रीन पर दिए हुए बटन को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार हम तक ज़रूर पहुँचाइए। नमस्कार।